सर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के बहुत से नेता सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा मुद्दा है? पहले सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा तो बहुत हो चुकी है। कांग्रेस के माइंड को समझिए, कांग्रेस का माइंड क्या है। वे इस देश के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहें, अपने कार्यकाल में सेना को दुर्बल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करें। मुझे लगता है उनके बैक ऑफ माइंड एक चीज पड़ी हुई है कि 1962 की लड़ाई में जो देश की दुर्दशा हुई और नेहरू जी पर विफलता का जो बहुत बड़ा कलंक लगा, तब से उनके मन में ये है कि आर्मी के कारण ही नेहरू जी बदनाम हो गए और वो तब से लेकर के आर्मी के प्रति नफरत रखते हैं। आप श्याम माणिक शाह की किताब देखोगे तो उसमें भी ये चीजें दिखती हैं कि उनके मन में तो वो गुस्सा अभी भी प्रकट हो रहा है। तो उनके मन में 62 का जो चाइना के साथ लड़ाई में नेहरू की जो विफलता रही है उसके बोझ की तरह ये परिवार दबा हुआ है और इसलिए वो लगातार आर्मी को गाली देने के रास्ते खोजता रहता है।